Hello everyone, today I am going to discuss about frequency diagram, histogram, polygon and OGIF. This is a part of presentation of data. This is part number A, statistics for economics, unit number 2 and video number 8. I have already discussed the presentation of data about tabulation presentation as well as the diagrammatic presentation. This is related to frequency diagram presentation. This is a part of presentation. Okay, let's start with the topic. When we discuss about the frequency distribution graphically using, हम वहाँ पे तीन मेथड को वहाँ पे यूज़ करेंगे. वन इज़ हिस्टोग्राम, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. सेकेंड वन इज़ पॉलीगोन्स, हम डिस्कस करेंगे. और थर्ड इज़ ओगिफ, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि टेबुलेशन हम कैसे करेंगे, टेबल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डाटा को. सेकंड बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम की हमने बात की थी. नाउ वी डिस्कस कि फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड हाउ वी मेक द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री मैथड्स. जैसे हमें अगर पता लगाना है कि वट परसेंटेज ऑफ अमेरिकन फाइंड लाइफ डल, अगर हमें ये पता लगाना है कितने परसेंटेज अमेरिकन हैं जो कहते हैं कि लाइफ डल है, तो हमें उसको एक पिक्टोरल फॉर्म में, हम पिक्चर फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और सेकंड, जैसे हम कहते हैं कि हाउ मेनी गैलन्स ऑफ सोडा डज द एवरेज अमेरिकन ड्रिंक ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि एक अमेरिकन एक साल में कितना सोडा वहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, तो उसको भी हम पिक्टोरल फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं. तो होप मुझे होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं. हम यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी वी आर गोइंग टू मैनेज द ग्राफ इन द पिक्टोरल फॉर्म. नाउ इसका पर्पस क्या होगा जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, टू डिस्प्ले द डाटा टू व्यूअर इन पिक्टोरल फॉर्म. यानी कि जो अभी तक मैं बात कर रही थी, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर हम लोग पिक्टोरल फॉर्म में अपने डाटा को वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी फॉर्म क्योंकि हम वहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के थ्रू हम शो करेंगे कि कितना परसेंटेज है वहाँ पे, तो बड़ा ईजी हो जाता है इस चीज़ को समझना. और नेक्स्ट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द डाटा. फिर हम उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, एनालाइज द डाटा कर सकते हैं. जो भी इशू हमने यहाँ पे लिया है, जैसे अभी अमेरिकन का लिया था, उसको डिस्कस करेंगे, समराइज वहाँ पे कर लेंगे. और एक डिस्कवर अ पैटर्न और ट्रेंड ओवर टाइम. और हमें एक पर्टिकुलर पीरियड की हम बात कर रहे हैं, हमें ट्रेंड पता चल जाएगा, उसके बेसिस पे हम आगे का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं. ठीक है, एंड यूजफुल इन गेटिंग द अटेंशन ऑफ ऑडियंस. अगर हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने डाटा को तो वहाँ पे ऑडियंस का अट्रैक्शन हमें ज़्यादा मिलेगा. दे आर मच अवेयर अबाउट द थिंग्स, अबाउट द इश्यूज. नाउ जो हमने अभी तक डिस्कस किया था कि दे आर थ्री कॉमन टाइप ऑफ ग्राफ्स हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. फर्स्ट वन इज़ हिस्टोग्राम हम बनाएंगे, पॉलीगोन्स हम बनाएंगे और ओगिफ, जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते हैं. नाउ स्टार्ट विद द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राफ दैट डिस्प्ले द डाटा बाई यूजिंग कंटिन्यू वर्टिकल वार. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुई है, कंटिन्यू वर्टिकल वार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकली की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. अनलेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इज जीरो ऑफ वेरियस हाइट टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास. यहाँ पे हम वर्टिकल वार्स को यूज़ करेंगे अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. यानी कि मैं यहाँ पे बात करूँगी कि जैसे हमने यहाँ पे किया कि कैसे हम उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेंगे, यहाँ हम वाई एक्सिस ले लेंगे. ठीक है, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे. क्लास बाउंड्रीज हमारी यहाँ आ गई, जैसे हम कहते हैं ना 10 है 20 है, या 10 0 टू 10 है 10 टू 20 है, वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे एक्स एक्सिस पे. और वाई पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी, जो हमें 0 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे. यूजिंग द फ्रीक्वेंसी एज हाइट्स, इसको हम हाइट्स ड्रॉ द वर्टिकल्स. जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे 0 टू 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो हम इस तरह बार बनाते जाएंगे, बार फॉर ईच क्लास. हमने हर क्लास के लिए ऐसे 0 टू 10 के लिए बना लिया, 10 टू 20 के लिए बना लिया, ऐसे हम वार्स बना लेंगे. इस फॉर्म में अगर हम प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द हिस्टोग्राम, या हिस्टोग्राफ भी हम उसे बोलते हैं, जहाँ पे हम वर्टिकल वार्स की बात करते हैं.
चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का कि कैसे हम उसे लेके चलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमें 30 पीपल हैं, उनका हाइट मेज़र करना है, तो हमने वहाँ पे एक कैटेगरी बना ली, 139.5 टू 149.5 हाइट्स हैं, हमने सेंटीमीटर्स में यहाँ पे ली है। तो हमने इस ढंग से, ये देखो हमने यहाँ पे क्लासेस ले ली हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एक क्लास ले ली, यहाँ से यहाँ तक की क्लास ले ली, इस तरह से हमने वहाँ पे क्लासेस ले ली है। दिस इज़ अ फ्रिक्वेंसी, हमारी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन है। जैसे हम कहते हैं कि जो यहाँ पे जो हाइट इन्होंने दे रखी है, हाइट इन सेंटीमीटर दे रखी है 139.5 टू 149.5, कितने लोगों की है, यानी कि 6 पर्संस हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमारा ग्राफ बन गया है, तो ये कह रहा है कि 6 पर्संस, ठीक है, जिनका हाइट है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर है। ये जो हाइट है इसमें जैसे 9 पर्संस का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं कि 159.5 टू 169.5 इतनी जो वहाँ पे हाइट है सेंटीमीटर्स में, कितने लोगों की है, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 7 की है। इसी ढंग से ये वाली जो कैटेगरी है इसमें 5 फ्रिक्वेंसी हमारी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इस ढंग से हमने ये प्रेजेंट कर दिया, सो दैट इस हिस्टोग्राम से वी केम टू नो अबाउट द वेरियस एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, द टॉपिक इज मच क्लियर। हमें यहाँ पे पता चल गया जो हाइट है 189.5 टू 199.5 सेंटीमीटर कितने लोगों की है, सिर्फ एक है वहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है, ओनली 1 है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी हाइट रहती है वो है 149.5 टू 159.5, और कितने लोगों की है वहाँ पे 9 पर्सन्स हैविंग, ठीक है, हाइट बिटवीन दिस क्लास। तो हम वहाँ पे इजी हो गया इस चीज़ को समझना। तो हम अपनी जो भी डाटा है उसको प्रेजेंट करेंगे हिस्टोग्राम के थ्रू। अब समझ आ गया होगा क्योंकि हम वर्टिकल वार्स, ये वर्टिकल वार्स होगी हमारी, ये हमारी वर्टिकल वार्स है जिनके थ्रू हम डाटा को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगॉन की हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको हिस्टोग्राम तो समझ आ गया होगा, हिस्टोग्राफ भी हम उसे वहाँ पे कह दे सकते हैं। अब हम पॉलीगॉन की बात करेंगे। पॉलीगॉन कुछ नहीं है, हमने अभी जो हिस्टोग्राम वहाँ पे बनाया था, हमने वर्टिकल वार्स को वहाँ पे क्रिएट किया, तो हम उसका मिड पॉइंट वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। हम मिड पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे हमने कहा, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर बताया आपको, ये हमारे हैं। अब अगर हम इसका मिड पॉइंट ले लें, जितनी भी ये वार्स हैं, अगर हम इनका मिड पॉइंट ले लें, ठीक है, और फिर कुछ भी ग्राफ वहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे हमारा वो पॉलीगॉन हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि पॉलीगॉन क्या है। चलो इसको और डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझते हैं पॉलीगॉन्स को। तो दिस इज़ अ सेकेंड मेथड ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट हमने हिस्टोग्राम यहाँ पढ़ा है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? ग्राफ दैट यूज़ लाइन दैट कनेक्ट पॉइंट, देखो ग्राफ दैट यूज़ लाइन्स, हम यहाँ लाइन्स की बात कर रहे हैं जो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा, प्लॉटेड फॉर द फ्रीक्वेंसी, जितना हमारा फ्रीक्वेंसी था एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, यानी कि हमारी जो क्लास है, हमने कहा कि 139.5 टू 149.5 हमारी एक क्लास है, उसके अंदर जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी 5 है, वहाँ पर अगर हम क्लास बना रहे हैं तो हम उसका मिड पॉइंट वहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आर रिप्रेजेंट बाय द हाइट ऑफ द पॉइंट, जो हाइट ऑफ द पॉइंट है हम उसको वहाँ पे चूज़ कर लेंगे। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे अभी, तो उससे ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस ये बात समझनी आपको ज़रूरी है कि पॉलीगॉन्स में हम मिड पॉइंट्स ले लेंगे, जितनी भी वर्टिकल बार्स हमने बनाए हिस्टोग्राम में, तो पॉलीगॉन में हम उसको एक मिड पॉइंट ले लेंगे, उसके थ्रू हम वहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देंगे। उससे भी एक कहीं ना कहीं हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करेंगे कि जहाँ पे हमारी हाइट ज़्यादा है और जहाँ पे हमारी हाइट कम है। कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे जो समझना बहुत ज़रूरी है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, जो हमने वर्टिकल बार्स बनाई थी उनका मिड पॉइंट्स हम पहले ले लेंगे सभी का। ड्रॉ वाई एंड एक्स एक्सिस हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेवल द एक्स एक्सिस एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, देन यूज़ अ सुटेबल स्केल फॉर फ्रिक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। सेम हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ हमने फ्रिक्वेंसी ले ली वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने वहाँ पे जो हमारा क्लास है वो हमने वहाँ पे ले लिया, 0 to 10, 10 to 20, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने वो ले लिया और उसकी मिड पॉइंट हमने वहाँ पे इंडिकेट कर दी। यूजिंग द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वैल्यू एंड फ्रिक्वेंसी एज अ वाई वैल्यू प्लॉट द पॉइंट, यानी कि हम यहाँ पे वर्टिकल बार की जो बात कर रहे थे हमने वहाँ मिड पॉइंट लेने स्टार्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, ठीक है। कनेक्ट द पॉइंट विद द लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन बैक टू द एक्स एक्सिस एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ग्राफ, यानी कि हमने यहाँ से बिगनिंग से स्टार्ट करके वेयर द नेक्स्ट मिड पॉइंट वुड बी लोकेटेड, यहाँ जहाँ मिड पॉइंट है वहाँ वहाँ से हम अपनी लाइन को ले जाएंगे। यानी कि पॉलीगॉन कुछ नहीं है, हिस्टोग्राम में हमने वर्टिकल जो बार्स बना दी और इसमें हम पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बनाएंगे जिसके थ्रू हम शो करेंगे कि हमारा डाटा क्या शो करना चाह रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इजी होगा, लोगों को पता चलेगा जो हम एनालिसिस करने की कोशिश करें। जैसे हमने कहा कि अमेरिकन कितना सोडा कंज्यूम करते हैं एक साल में, तो हमने यहाँ पे लिमिट बना दी, जैसे 1 ईयर का हमने मंथ का कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ हमने फ्रिक्वेंसी ले ली कितना कंज्यूम करते हैं, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सो दैट हमें पता चलेगा कि ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं मंथ्स में, या कम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है।
जैसे ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम 102 की बात करेंगे, हमने वैसे ही एक नंबर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 102 की बात करेंगे, जैसे 107 ले लिया, 112 ले लिया, 117, कुछ भी हम यहाँ पे नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, हाइट्स हमने ले ली लगा लो, तो हमने इसका एक मिड पॉइंट ले लिया, हम कहेंगे कि 2 पर्सन है जिनकी हाइट 102 सेंटीमीटर्स है, या कुछ भी हम लगाएंगे 2 पर्सन है जो इतना कंज्यूम कर रहे हैं सोडा, तो हमने 7 पर्सन का हमने ले लिया जो 8 पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी। इस टाइप से हमने वहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर ली बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स, दैट इज नोन एज द पॉलीगॉन। मेरे ख्याल से बड़ा ही ईजी है, हिस्टोग्राम में हमने वर्टिकल बार्स बना ली थी, इसके अंदर हमने पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ जो भी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी क्वेरीज को बताओ, सो दैट आई विल गिव द आंसर। अब हम थर्ड मेथड की तरफ चलेंगे। थर्ड मेथड है ओगिव भी कहते हैं और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम इसे यहाँ पे कह देते हैं। ये भी उसी का ही एक्सटेंशन हो जाता है, हिस्टोग्राम में वर्टिकल बार बना दी, पॉलीगॉन में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसके थ्रू हमें पिक्टोरल प्रेजेंटेशन कर लिया। ओगिव के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये, जब हमने कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर बात की थी, तो यानी कि हमने एक फ्रीक्वेंसी ले ली कॉम्युलेटिव, हम जो सेकंड फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो हमारी वहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, यानी कि जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो एंड ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 10 है, तो हम कैसे लिखेंगे कम्युलेटिव को, 5, 13, ये हम इसमें ऐड कर देंगे 23, तो हमारा इस ढंग से वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो जाता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस ओगिव। ओगिव का क्या समझ आ गया होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम वहाँ पे बात करते हैं, हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, हर क्लास की हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 5 है, फिर हम उसमें फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाएंगे तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ आ जाएगी। ड्रो एक्स एंड वाई एक्सिस, ये हर किसी के अंदर होगा, हम एक ग्राफ बनाएंगे, हम एक्स एक्सिस वहाँ पे लेंगे, हम वाई एक्सिस वहाँ पे लेंगे, लेवल द एक्स एक्सिस विद द क्लास बाउंड्री, सेम है यहाँ पे, हम क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे और यहाँ पे हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को ले लेंगे, ठीक है। प्लॉट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एट ईच अपर क्लास बाउंड्रीज, जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक बात पहले पढ़ी हुई है फ्रीक्वेंसी के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, मैंने अपनी वीडियोस में भी मेंशन किया है, जितनी भी वीडियोस हुई हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। जहाँ हमने कलेक्शन ऑफ डाटा किया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि हाउ वी यूज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन और मोर देन का मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट किया था, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि हाउ वी कैलकुलेट द मोर देन एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी, आपका वो कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करूँगी जो जल्दी आपको समझ आ जाएगा, फिर हम वापस इसी स्लाइड पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे दो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। जब हम लेस देन की बात करते हैं, ठीक है, जब ओगिव जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेस देन और मोर देन में हम डिवाइड कर देते हैं। जब हम लेस देन की बात करेंगे, हम बात करते हैं कि लेस देन 10, लेस देन 20, तो ये हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेस देन की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन्होंने गिवन है, तो हम इसमें से फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो भी हमारे, तो हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमने नई इसमें हम ऐड करते जाएंगे, जो अभी भी मैंने आपको पीछे से दिखाया था 5 हो गया, फिर हमारे पास जैसे 3 नया जो सीरीज़ है, जैसे हमारा जो सीरीज़ होगा वो यहाँ पे होगा, देखो ऐसे 5 है, 3 है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया, 5 है, फिर हमारे सेकंड का 3 आ गया, फिर थर्ड का 4 आ गया, तो ऐसे ऐसे करते हुए हमारा जो टोटल है वो 53 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको अब ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, देखो अगर हमने यहाँ पे बात की, हमने क्या बात की, 0 टू 10 हमारा 5 है, 10 टू 20 हमारा 8 है, अब 0 टू 10 जो हम बात करेंगे वो हमारा 5 है, जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 5 है, ठीक है, फिर 10 टू 20 की हम बात करेंगे तो वो 8 पे कहीं ना कहीं आके रुक रही है। तो इस ढंग से हमने जो लास्ट स्लाइड में यहाँ पे बात की, हमने कहा कि 20 टू 30 हमारी 12 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी 20 टू 30 है यहाँ पे ये 12 जा रही है, ठीक है। इस ढंग से हमने अपने पॉइंट्स बना लिए और लेस देन ओगिव का हमने यहाँ पे अपना एक लाइन ड्रॉ कर लिया, राइट। अब ध्यान से सुनना, अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है मोर देन, ये भी मैंने वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन किया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जब हम बात करते हैं मोर देन और इक्वल टू 0, हम बात करते हैं कि मोर देन और इक्वल टू 10, यानी कि 10 से ज़्यादा है, मोर देन और इक्वल टू 10 की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने अपनी एक सीरीज़ बना ली, जैसे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 53 था, तो इसमें से हम जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो हमारी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है इस सीरीज़ की, वो हम लेस करते जाएंगे, तो हमारे पास एंड में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हमने जब मोर देन की बात की तो हम उसमें
में लेस करते जाएंगे और लेस देन में हम प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने वही चीज़ यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे मैं कहती हूँ कि ज़ीरो ज़ीरो अगर हम पॉइंट यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे हम अगर पॉइंट लेके चलते हैं ज़ीरो, तो वहाँ पे 53 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखो लास्ट स्लाइड के अंदर क्या था, अगर हम मोर देन ज़ीरो से ज़्यादा है और इक्वल टू ज़ीरो है तो हम यहाँ पे 53 लेके चलेंगे और सेम चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसी ढंग से हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को उसके अंदर हम लेस करते चलेंगे और लेस देन में हम वहाँ पे प्लस करते हुए जा रहे थे। ठीक है, अब देखो, अब दोबारा से हम उसी डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन क्या थी, ओगिव क्या करता है, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने ले लिया, हमने एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिया, हमने यहाँ अपर क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पे फिक्स कर ली, लोअर क्लास बाउंड्रीज़ हमने यहाँ पे फिक्स कर ली, और उसके बाद हम अपने ग्राफ को बना लेते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखा है लेस देन, एंड जब हम बात करेंगे कि लेस देन है या मोर देन है, यहाँ पे मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि लेस देन क्या होता है। इन दिस मेथड बिगनिंग फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि हम लेस देन की बात करेंगे तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम वहाँ पे प्लस करते हुए जा रहे थे। ठीक है, इंटरवल वी गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी, देखो हमने ऐड करना स्टार्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ द सीरीज, तो हमने वहाँ पे ऐड किया। मोर में हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी है बिगनिंग विद द, हम कहेंगे कि लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, तो हम उसमें से लेस करते हुए वहाँ पे चले जाएंगे, सो दैट हमारा वहाँ पे, ये देखो ये भी वही एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओगिव का लिया था कि हम यहाँ पे लेस देन की मैं बात कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आया होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको लेस देन टाइप जो ओगिव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हमने मोर देन ओगिव की बात की। ठीक है, अब डिफरेंट शेप्स पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिस्टोग्राम क्या होगा, जहाँ पे हमने वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ की थी। ठीक है, पॉलीगॉन हमारा क्या होगा, जहाँ पे हम मिड पॉइंट्स की बात करते हैं, ओगिव में हम मोर और लेस देन की बात करते हैं। ये हमारा कंप्लीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि हम अपने डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेक्सचुअल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे, डायग्राम फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे, बार डायग्राम है, पाई डायग्राम है, ये मैं वीडियो इस पर बना चुकी हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक देख सकते हो, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको मैंने कई वीडियोस में वहाँ डिवाइड कर दिया है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है आप लोगों के लिए। आपके चैप्टर में कुछ शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व दे रखा था, तो मैंने भी अपनी वीडियो में इंक्लूड कर लिया है, जो लास्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। हाँ, बड़ा ही इजी सा टॉपिक है जब हम बात करते हैं नॉर्मल कर्व की। देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की जब भी बात करते हैं तो ये चीज़ें आगे आएंगी आप लोगों को, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल कर्व क्या है, सिमेट्रिकल कर्व क्या होता है। तो वी स्टार्ट विद द नॉर्मल कर्व हियर। इन सच कर्व फ्रीक्वेंसी टेंड टू इंक्रीज ग्रेजुअली, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमने इधर ले ली, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ग्रेजुअली हमारी बढ़ती जाती है, फॉलोड बाय अ टेंडेंसी टू स्टेबलाइज एंड फाइनली द टेंडेंसी टू डिक्लाइन, और उसके बाद वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाती है। एक प्रॉपर शेप में होता है हमारा कर्व, उसे हम सिमेट्रिकल कर्व भी कहते हैं, उसे हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। स्टार्टिंग में हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और फिर ये डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल कर्व आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव स्क्यूड कर्व की। पॉजिटिव स्क्यू कर्व की जब भी हम बात करते हैं, देखो आप इसकी शेप सी लगाओ, अगर नॉर्मल कर्व के बाद ये इस ढंग से शेप इसका बन जाता है, यानी कि हम राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, जैसे हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, इन सच कर्व कर्व्स आर स्क्यूड टू राइट साइड मोर देन द लेफ्ट वन, यानी कि लेफ्ट वन से ज़्यादा ही राइट साइड की ओर ज़्यादा जा रहा है। कर्व हैव मोर स्प्रेड ऑन द राइट साइड, दैट इज दीज आर टेल टू राइट साइड, तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव स्क्यू कर्व है। अगर ये इस साइड चला जाता तो हमारा नेगेटिव स्क्यू कर्व हो जाता, अगर ये यहाँ चला जाता। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम यही करने वाले हैं, नेगेटिव स्क्यू कर्व है। नेगेटिव स्क्यू कर्व क्या हो गया, जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं और इस साइड ज़्यादा जा रहा है, तो ये नेगेटिव दिखा रहा है वहाँ पे ट्रेंड अपना, जो भी इसने टेल यहाँ पे हमें दिखाई है। नेक्स्ट वन इज़ हम कहते हैं यू शेप कर्व। मेरे ख्याल से आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि हमने नॉर्मल कर्व की बात कर ली, वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात कर ली। यू शेप कर्व आर फॉर्म्ड इफ़ दे आर टू हाई पॉइंट्स इन अ सीरीज, अगर फ्रीक्वेंसी हमारे में दो हाई पॉइंट है, ठीक है, बोथ हैविंग इक्वल और नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी एट अ लोअर एंड हाइएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि जैसे इस जो हमारी क्लास इंटरवल है इस पे हमारी वैल्यू इतनी है, ठीक है, और हाई हमारी क्लास इंटरवल है उस पे हमारी वैल्यू इतनी है, और उनको हम अटैच कर देते हैं, तो हमारा यू शेप कर्व बन जाता है वहाँ पे। ठीक है,
ये सिर्फ टाइप ऑफ कर्व्स हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं। बाई मॉडल कर्व की जब हम बात करेंगे तो देखो डायग्राम से ही पता चलता है कि दो बार हमारा वहाँ पे एक कर्व बनता है। दिस कर्व ड्रोन व्हेन इन अ सीरीज दे आर टू क्लासेस विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसमें तो था कि स्टार्टिंग और एंड वाले की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसमें हो गए दो कर्व की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरह से हमारे कर्व का वहाँ पे शेप बन जाएगा। नेक्स्ट वन यू जे शेप आ गया। अभी हमने यू शेप किया था, जे शेप में कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में बढ़ता जाता है और फिर थोड़ा कम होता है, फिर आगे बढ़ जाता है। देखो दिस कर्व इज ड्रोन व्हेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेंड टू इंक्रीज विद ईच क्लास इंटरवल। यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ये बढ़ती 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 और यहाँ तक हमारी चलेगी। इन अदर वर्ड्स द कर्व मूव फ्रॉम द लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारी लो फ्रीक्वेंसी थी, इससे मूव करके यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी तक चला गया। देखो अब इसका जो रिवर्स है जे कर्व का वो क्या बनेगा। अभी हमने जे कर्व क्या किया था, यहाँ से अभी हमने जेकब जो किया यहाँ पे, ठीक है, अगर हम जेकब हमने ऐसे किया था तो इसका रिवर्स हमारा क्या बनेगा, यानी कि ऊपर से नीचे आना। यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डेंट टू लोएस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इस कर्व में हमने क्या किया, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे धीरे, जैसे हमारी जीरो, जो भी हम जीरो टू टेन लेके चलते हैं उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी ये है, और धीरे धीरे हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्स जेकब यहाँ पर इनका बन गया। नाउ द नेक्स्ट इज मिक्स कर्व। मिक्स कर्व देखो नाम से ही पता चलता है कई सारे कर्व इसके अंदर बनते हैं। दीज कर्व्स आर फॉर्म व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट कर्व बन रहा है, कहीं तो हमारा नॉर्मल कर्व बन रहा है, ठीक है, कहीं हमारा पॉजिटिव स्क्यू जा रहा है, कहीं हमारा नेगेटिव स्क्यू वो जा रहा है, ठीक है। तो कई तरह के कर्व हमारे वहाँ पे बनते हैं। देखो यह दो हाइएस्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे बन गए, तो हम इसे मल्टी मॉडल कर्व भी कहते हैं और हम इसको मिक्स कर्व भी यहाँ पे कह सकते हैं। थैंक यू। I hope you understand the topic. This is very important topic. ठीक है, इसको आप समझो। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कंफर्म कर सकते हो अबाउट योर क्वेरी, सो दैट आई विल गिव द आंसर। प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू।